तो बड़े मियां छोटे मियां मूवी का ट्रेलर आ चुका है एंड इट्स नॉट लुकिंग क्वाइट गुड। अब जनरली मैं अपने इस चैनल पे किसी भी मूवी या सीरीज को लेके जल्दी नेगेटिव बातें नहीं करता, कहने का मतलब है मैं किसी भी मूवी को हार्ड जज नहीं करता, बट यहाँ पे केस कुछ और है। इस ट्रेलर को देखने के बाद ये फील ही नहीं होता कि ये किसी बड़े बजट मूवी का ट्रेलर है, जिसका रीजन तुम ट्रेलर की खराब एडिटिंग को भी दे सकते हो, क्योंकि ट्रेलर स्टार्ट होता है कुछ रैंडम शॉट्स के साथ और फिर हमें बैकग्राउंड में विलेन का एक नैरेशन सुना देता है, जिसके बाद 5-6 और डायलॉग्स आते हैं जिन डायलॉग्स को अपने दोनों हीरोज ने मिल बांट के डिलीवर किया है, और इन सभी डायलॉग्स के बीच में हमें मूवी का जो पूरा रन टाइम है उसको छोटा करके 3.5 मिनट के अंदर दिखा दिया गया है। ट्रेलर का स्टार्ट ही इतना पैथेटिक होता है, जहां भले हमारे सामने वो हैवी डायलॉग्स रखे जाते हैं पर सच बोलूं तो उन डायलॉग्स का वजन ट्रेलर में फील ही नहीं होता। साथ ही इन्हीं डायलॉग्स के साथ जो विजुअल्स हमें दिखाए जाते हैं, जो कार ब्लास्ट हो रही होती है, जो टैंक्स चल रहे होते हैं, जिनको देख के यही लगता है कि भाई हाँ चलो देख लिया जो भी तुम्हारा था, अब आगे बढ़ा दो इसको, ये नहीं देखना है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ऐसी चीजें हमने पता नहीं कितनी बार देख रखी है मूवीज में और काइंड ऑफ बोर भी हो रही है ऑडियंस इन सब चीजों से। साथ ही मूवी के स्केल को बड़ा दिखाने के लिए बहुत सारे ब्लास्ट और एक्सप्लोजन करने की टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है, अब वो चीज ऑडियंस को फैसिनेट नहीं करती। अब यहाँ पे मैं मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मूवी की स्टोरी अभी भी हमें ठीक ठाक तरीके से नहीं पता है, ऑल्दो उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि 3.5 मिनट के ट्रेलर में पूरी मूवी दिखा देंगे, तो यहाँ पे मैं मूवी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बस इस मूवी के ट्रेलर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, जहाँ इजिली थोड़ी सी और मेहनत करके इसे 1000 गुना बेहतर ट्रेलर बनाया जा सकता था। और ट्रेलर का जो एक बेसिक काम होता है कि ऑडियंस के मन में मूवी को लेके हाइप बनाए, थोड़ी एक्साइटमेंट बनाए, उस चीज में ये ट्रेलर फेल होता दिख रहा है। हालांकि सारी ही चीजें इस ट्रेलर से खराब नहीं है, कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी हैं इस ट्रेलर के अंदर, जैसे कि ट्रेलर की कलर ग्रेडिंग काफी अच्छे से करी गई है, मुझे देख के अच्छा लगा, और उसके अलावा कुछ शॉट्स बहुत अच्छे तरीके से लिए गए हैं, देख के सही भी लगता है। एंड इसके अलावा अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के बीच की जो कन्वर्सेशन अपने को घोड़े के ऊपर दिखाई जाती है वो भी ठीक ठाक लगती है, मतलब एक अच्छी सी केमिस्ट्री बिल्ड होते हुए दिख रही है। अब इस चीज को वो लोग अगर मूवी में अच्छे से पुल आउट करते हैं तो शायद मूवी के लिए एक एडवांटेज बनेगा। ऑल्दो इसी कन्वर्सेशन के बीच मुझे रियलाइज हुआ कि अक्षय कुमार की आवाज को थोड़ा सा हैवीली मॉड्यूलेट किया गया है, मतलब एडिटिंग के अंदर थोड़ा उसे भारी बनाने की कोशिश की गई, जो कि उतना अच्छा लग नहीं रहा है, मतलब नेचुरल वॉइस रखते तो ज्यादा बेहतर था मेरे ओपिनियन में। VFX और CGI की बात करें तो देखो मूवी पूजा एंटरटेनमेंट की है, तो इनसे VFX और CGI का तो एक्सपेक्टेशन रखना ही बुरी बात है, लेकिन फिर भी इस ट्रेलर के अंदर उन्होंने गणपत से तो बेहतर ही काम किया है, तो मूवी का VFX काम चला हुई है, और अगर कोई कमियां निकालना चाहे तो बहुत इजीली कमी निकाल सकता है इसके VFX में। बट वहीं मूवी के एक्शन सीक्वेंस के ग्लिम्स जो हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिले वो मुझे बहुत सही लगे और एक काइंड ऑफ अटेंशन ड्रॉ कर रहे थे कि हाँ अपने एक्टर्स ने मेहनत की है एक्शन के ऊपर, और इस ट्रेलर को देख के भी लग रहा है कि मूवी के अंदर काफी ज्यादा एक्शन होगा, पूरी एक्शन पैक्ड मूवी देखने को मिलेगी। ओवरऑल बोलूं तो ये ट्रेलर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, मेरे ओपिनियन में ये एक मिड ट्रेलर है और अपनी मूवी की क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, या फिर मूवी भी इसी क्वालिटी में बनाई गई है। अब ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, जिसका रिव्यू तुम्हें इस चैनल के अंदर मिल जाएगा। इस 3.5 मिनट के ट्रेलर के अंदर मूवी से रिलेटेड हर एक चीज को स्पॉइल कर दिया गया है, मतलब ट्रेलर के एडिटर ने पूरी कोशिश की है कि बंदों को टिकट की प्राइस में पैसा वेस्ट ना करना पड़े और वो 3.5 मिनट के ट्रेलर में पूरी मूवी की स्टोरी और सारी चीजें जान ले। इस पूरे ट्रेलर में सिर्फ एक ही सरप्राइज एलिमेंट बचा है, वो है पृथ्वीराज सुकुमारन का फेस रिवील, तो अगर तुम फेस रिवील देखना चाहते हो तो वो तुम थिएटर में देख सकते हो। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे पूरा गलत हूँ, मूवी मेकर्स ने कुछ और मास्टर स्ट्रोक प्लान किया वो थिएटर्स के लिए, और एक अच्छा खासा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमें थिएटर में देखने को मिले, जिसके चांसेस कम है क्योंकि ये मूवी बन रही है पूजा एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस में, तो इसी वजह से मूवी को लेके मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत लो है, और जितनी भी थोड़ी 1-2% की एक्सपेक्टेशन है वो डायरेक्टर अली अब्बास जफर की वजह से है। अब देखना यह है कि अली अब्बास जफर इस मूवी को पुल आउट कर पाते हैं अच्छे से या नहीं। बाकी यही था मेरा ओपिनियन बड़ी मियां छोटी मियां के ट्रेलर के ऊपर। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।